छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल अपनी सरकार से खफा होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। अमितेश शुक्ल महात्मा गांधी पर ना बोलना चाहते थे, लेकिन जब बार बार आग्रह के बाद भी उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया गया तो उन्होंने सदन का वॉकआउट कर दिया। अमितेश शुक्ल ने कहा कि उनसे भी जूनियर विधायकों को महात्मा गांधी पर बोलने का मौका दिया गया, लेकिन जब उन्होंने बोलने की इच्छा जताई तो किसी ने भी मौका नहीं दिया। मुझे जो है बहुत सी बातें सुनाई थी, जब मैं बताना चाहता था, बोलना चाहता था, मेरा समय बीतता गया। आज सवेरे से मैंने बोला था मुझे बोलने का मौका दिया जाए, इन्हीं कारणों से, किस कारणों से मुझे मौका नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री बोलते हैं, होम मिनिस्टर बोलते हैं कि जो है जो ये आज कश्मीर का प्रॉब्लम है, कश्मीर जो है उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। जो महात्मा गांधी की बात मानने की बात करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी जो हैं उन्हीं ने कहा है कि यूनियन जो गवर्नमेंट है 1918 की अपनी जो उन्होंने सभा ली थी, अपनी जो शाम को लेते हैं, उसने उस बात को बोला कि जो है उसमें यूनियन ने सही निर्णय लिया जो यूनियन गए, क्योंकि नहीं तो युद्ध हो जाता। ये बात 1918 गांधी जी ने बोली। उसके बाद नेहरू जी कैसे जिम्मेदार हो? तो जो भी ये लोग बोलते हैं, झूठ फरेब की बातें करते हैं, जो केंद्र में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के लोग, ये सब बातें मैं बोलना चाहता था, मगर इस कारणों से मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं नहीं समझ पाया, तो इसलिए मैंने सदन का बहिर्गमन कर दिया।